हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज ऑफ फोर्थ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं सारे डे परिवार के सिलसिले में और सेबी आर एक्सिक्यूटिव एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सिलसिले में। यदि आप सारंडे परिवार से आप अपने पैसे को वापस पाना चाहते हैं तो आपको लिए एक हेल्पलाइन बताना चाहूँगा कि जिसकी वजह से आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको मैच्योरिटी अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू मैच्योरिटी अमाउंट अगर आपकी नहीं मिली है तो सारंडे परिवार में बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्टमेंट हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट के बारे में जहाँ पे आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक सुने। तो सबसे पहले आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसका है consumerhelpline.gov.in पर जाना होगा। फिर यहाँ पर जाने के बाद आपको अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद आपको अपनी यूज़र आईडी से लॉगिन करें। ध्यान रखिएगा, पहले आपको क्या करना है, इस consumerhelpline.gov.in पर जाना होगा। फिर यहाँ पर अपना अकाउंट को साइन अप करना होगा, यानी कि बनाना होगा, नए अकाउंट को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर जाने के बाद आपको यूज़र आईडी से अपनी यूज़र आईडी से जो यूज़र आईडी पासवर्ड आपकी मेल आईडी में आएगा उस यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन होने के बाद आपको अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए ज़रूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, जैसे कि आपका ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट, आपके आपकी डिटेल्स वगैरह, ये आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद इस आवेदन को सबमिट कर दीजिए, यानी कि आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक दिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ईमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा, यानी कि अगर ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। ये इसके बाद जल्दी आपकी शिकायत का निवारण भी किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जो लोग सारंडे परिवार के इन्वेस्टर्स हैं और जिनका मैच्योरिटी अमाउंट जो है सारंडे परिवार में इन्वेस्टमेंट है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।